हेलो बेटा, अब हम आते हैं लेज़र्स पे। अच्छा, लेज़र का जो फुल फॉर्म है या फुल एब्रीविएट इस तरह से, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये जो लफ्ज लिखा है ना, यही है लेज़र बस। पर ये हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लेज़र के लिए पहले क्या है कि लेज़र है क्या बुनियादी तौर पर? इट इज़ अ डिवाइस। लेज़र बुनियादी तौर पर एक डिवाइस है विच प्रोड्यूसेस, जो कि हमें पैदा करके देता है क्या, एक लाइट पैदा करके देता है जो कि मोनोक्रोमेटिक होती है। और ये जो लाइट प्रोड्यूस करके देता है वो बड़ी इंटेंसिव होती है, कोहेरेंट लाइट होती है। और जो लाइट पैदा करता है उसके जो रेज ऑफ लाइट हैं, दे आर से टू बी यूनिडायरेक्शनल रेज, आप सिंपली कह सकते हैं। देखिए ऐसे होता है ना, रेज ऑफ लाइट ऐसे होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि ऑल द रेज आर पैरेलल। इनकी इंटेंसिटी हर जगह पे सेम होती है, ऐसा नहीं है कि आप करीब हों, दूर हों और दूर हों, ऐसे नहीं होता। जब रेज पैरेलल होते हैं तो इंटेंसिटी इस तरह से आप कह सकते हो कि इक्वल, कोहेरेंट इंटेंसिटी फॉर एवरी सिंगल पॉइंट। ऐसे आप लेज़र को करीब रखो या दूर रखो, वो उतना ही इक्वली खतरनाक होता है। इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट या यूनिडायरेक्शनल आपकी जो लाइट होती है। ओके, तो लेज़र एक डिवाइस है जो कि आप इस तरह से पैदा करते हो, पहली बात ये। अब सवाल ये है कि लेज़र हम पैदा कैसे करें, लेज़र प्रोडक्शन कैसे करें? तो मैं बड़ा सादा सा मिसाल आपको प्रोडक्शन का समझा देता हूँ, आप बराए मेहरबानी इसको थोड़ा समझ लें, सुनोगे। मिसाल के तौर पे, अच्छा, इसके लेज़र पैदा करने के कुछ तरीके, कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप, आप क्या करें, आम तौर पे किसी भी एटम को एनर्जी दें तो पता है क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से या ओरिजिनल स्टेट से ऊपर चला जाता है। मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, क्योंकि हमने एनर्जी दी है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, हमने इस इलेक्ट्रॉन को फोटॉन एब्जॉर्ब करवाया। दूसरी माने में आप कह दो इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन एब्जॉर्ब किया ना। अच्छा, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस का हम यहाँ पे जो नाम रखते हैं ना, ये प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, कि व्हेन इट या ऐसे कह दो, जब ये फोटॉन इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जो कि आपके सामने पहले ये होगा। स्टेप नंबर टू, अब बता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में जाता है ना इस तरह से, ये वहां पे थोड़ी देर के लिए रहता है, इधर ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है। और जो स्टेट है, जिस स्टेट में ये रहता है, ऐसे समझ लो कि ये तकरीबन समझ लो 10^-8 सेकेंड तक रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है। क्यों थोड़ी देर के लिए रहता है, क्योंकि इसने वापस आना होता है ना। अच्छा, अब बताइए इलेक्ट्रॉन जो आपका कहाँ पे था, E2 में, ये जब यहाँ होगा तो पीछे जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हर एटम की ख्वाहिश होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को वापस बुला लें, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस आता है या हाई से लो में वापस आता है। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया था कि हाई टू लो ट्रांजिशन जो है ना, वो इनडायरेक्ट ट्रांजिशन भी हो सकती है। तो जब ये वापस आता है तो हो सकता है किसी और एनर्जी में आए, लाजमी नहीं कि ओरिजिनल ग्राउंड में पड़े, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि एन इज इक्वल टू वन है, एन इज इक्वल टू टू। मैंने जनरल बात करी है, मैं जनरल बोल रहा हूँ कि ये हाई है, अपना लो है, ये हाई है। हाई कौन सा, इट में भी एन इज इक्वल टू टू, इट में भी एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो पता क्या है, वापस जब आता है ना तो बीच में या इनडायरेक्ट ट्रांजिशन कर जाता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वापस आया तो बीच में एक ट्रांजिशन करके यहाँ पे रुक गया, यहां पे रुक गया। अच्छा, इस एनर्जी स्टेट में आने के लिए ये इमिशन करके रुकेगा ना, तो हम यहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो इसने फोटॉन इमिट किया है। और ये जल्दी में वापस, क्योंकि 10^-8 का मतलब है थोड़ी देर रहता है ना, तो ये जल्दी में वापस आता है, जल्दी में वापस आता है, तो इमिशन भी ये दोबारा से जल्दी में करेगा। उसी लिए इस इमिशन का नाम हम यहां पे रखते हैं स्टिमुलेटेड, अपना जो स्पॉन्टेनियस इमिशन, इसका नाम हम बाबा क्या रखते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन किसको कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन हाई से बीच वाली किसी स्टेट में रह जाए। इस बीच वाली स्टेट का नाम हम रखते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, इसका नाम हम क्या रखते हैं,
मेटा स्टेबल स्टेट, ये मेटा स्टेबल स्टेट में रह गया। कितनी देर तक ये रहेगा? तकरीबन यहाँ पे रुकेगा 10^-3 तक, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है ना वो इतना होता है। ज्यादा कहीं रुक कहाँ पे रुकेगा, मतलब हाई में या मेटा स्टेबल में? कह दो कि मेटा में ज्यादा रुकेगा, क्योंकि जितना वो न्यूक्लियस के करीब वापस जा रहा होता है ना उतना उसकी लाइफ ज्यादा होती है। जितना वो न्यूक्लियस के करीब वापस जा रहा होता है उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूर होगा ना जितना उतना वो अनस्टेबल था, वापस आ रहा है तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी की लेवल की तरफ जा रहा है। अच्छा बाबा, तो ये वापस आएगा यहाँ पे, कितनी देर रुकेगा? 3×10^-3 तो मुझे एक बात बताओ, इसकी कंपैरिजन में मतलब हाई की कंपैरिजन में ये ज़्यादा देर तक रुकेगा ना? बिल्कुल रुकेगा। तो पता है क्या होता है कि पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बढ़ती है। आप कह दो कि जब इलेक्ट्रॉन E2 से लेकर E में आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। कहाँ पे बढ़ती है? इन मेटा स्टेबल स्टेट बढ़ती है। ये कह दो कि मेटा स्टेबल स्टेट बढ़ गई तो फिर आखिरी, अभी स्टेबल एटम नहीं हुआ, क्योंकि स्टेबल तब होगा जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में चला जाए ना। अभी ये यहाँ है बाबा, अभी इसने नीचे और भी जाना है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा ये बात समझनी पड़ेगी। सुनो, इसने जाना E1 में, जहाँ से आया था ना वहीं पे जाना है इसने, तो बता क्या करना पड़ेगा। सुनो ला बाबा, पहले मतलब यहाँ था, उससे नीचे कहाँ तक आया है? मेटा स्टेबल तक आया, ये समझ लो मेटा है। मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक सकता है, वहाँ पे नहीं रुकता था, यहाँ पे रुक सकता है। अच्छा, पर कंप्लीट स्टेबल अभी भी नहीं हुआ। कंप्लीट स्टेबल करेगा कब? जब ये वापस आएगा। और ये वापस कितनी देर के बाद आएगा? 3×10^-3 के बाद आएगा। इसका मतलब इतना टाइम इंतज़ार करो, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक आएंगे ना वो। हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं आए, हम चाहते हैं कि बस वहाँ पे पहुँचे उसी वक्त निकलें। ऐसी कैसी मुमकिन है सर, इलेक्ट्रॉन हाई से लो अपनी मर्जी से आते हैं, डायरेक्ट ना आए इनडायरेक्ट। पर अगर आप चाहते हो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जमा हो रहे हैं ना, यहाँ पे रुके नहीं, आगे चलें भाई, निकलो निकलो, तो वर्क डन करना पड़ेगा। आप अपना एनर्जी दें, फिर हो सकता है, वरना नहीं। इसका मतलब है आप इनको ज़बरदस्ती निकालो, हम निकालने का मतलब ये कि आप इनको वर्क डन करो, आप वर्क डन करो मतलब आप इसको दोबारा से फोटॉन दो, तो फिर क्या होगा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि हम एक्सटर्नल वर्क डन करके निकाल सकते हैं ना बाबा। सुनो, ये मार्कर है ना, खुद ऊपर नहीं जाएगा, पर हम वर्क डन करें तो जा सकता है, ऐसे समझ लो। तो कुछ इसी तरह से हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन देना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्क इज डन, एक्सटर्नल वर्क डन होता है बाय मीन्स ऑफ, किसकी सूरत में वर्क डन है, धक्का देने की सूरत में, या बाय मीन्स ऑफ फोटॉन, हमने फोटॉन की सूरत में इसको वर्क डन करा दिया, या हमने फोटॉन दे के इसको लालच दी है, लालच दी है तो आगे चला जाएगा, और जब ये चला जाएगा आगे तो कह दो दोबारा से ये इमिशन भी करेगा। अभी वाला जो फोटॉन है ना, ये किस तरह का होता, मतलब ये कौन सी इमिशन करेगा, दो तरह की। क्या क्या मतलब दो तरह की? एक इमिशन वो है जो इसको आमतौर पर करनी चाहिए थी, ई से लेकर E1 में जाने के लिए करनी चाहिए थी, क्योंकि खुद करना चाहिए था इसको वो, और एक इमिशन वो करेगा जो हमारा दिया गया फोटॉन था, जो आपका वर्क डन था। तो वापस आने में इसने दो तरह की लाइट इमिट करनी होगी, एक वो जो आमतौर पे ड्यू एनर्जी है, जो ड्यू उसको करनी है, और दूसरा ये कि अभी हमने जो 5 जूल या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एडिशनल करवा दिए इसको एब्जॉर्ब, तो कुल मिला के इसने बड़ी लाइट इमिट की। और ये जो लाइट इमिट करता है ना, कहाँ से कहाँ तक, मेटा स्टेबल स्टेट से लेकर ग्राउंड तक जो इमिशन करता है, ये इमिशन आप सिंपली कह सकते हो कि किस तरह की इमिशन होती है, ये इमिशन आपकी लेज़र इमिशन है, लेज़र लाइट इसको कहते हैं, ये इंटेंसिव लाइट है। इंटेंसिव क्यों? क्योंकि
मेटा स्टेबल से लेकर नीचे आने वाला एनर्जी भी इमिट कर रहा है, प्लस में जो हमने एडिशनल इसको एब्जॉर्ब करवा दी वो भी कर रहा है, तो टोटल मिला के ये बड़ी एनर्जी इमिट करेगा। ये एनर्जी आप सिंपली कह सकते हैं कि लेजर लाइट है। अभी प्रोडक्शन की मैंने बात बता दी, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम है, ये जो तीसरा प्रोसेस अभी आपने पढ़ा बाबा, इस प्रोसेस का नाम हम रखते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्टिम्युलेटेड मतलब क्या, एक्सटर्नल वर्क डन जो कराया गया था, स्टिम्युलेशन जो करवाई गई थी वो भी इमिट कर रहा है, तो स्टिम्युलेटेड इमिशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो तीन टोटल प्रोसेस हैं, एक है सिंपल एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्पॉन्टेनियस इमिशन और तीसरा स्टिम्युलेटेड इमिशन। चलो, ये ओवरव्यू था, अब हम चलते हैं डिटेल में। डिटेल का मतलब ये है कि अब हम चलते हैं लेजर प्रिंसिपल पे कि लेजर असल में बनता कैसे है। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया, अब हम डिटेल में चलते हैं कि हकीकत में होता क्या है। तो सुनो जरा, हकीकत में यूं होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां था, ग्राउंड स्टेट में था। जब ये ग्राउंड स्टेट में था तो क्वांटम नंबर क्या था, 1 था। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो कहां जाएगा, ऊपर चला जाता है। सवाल ये है कि जब ये लो से हाई में जाता है तो डायरेक्ट ट्रांजिशन होती है बाबा, ये कहां जाएगा, एक ऐसी एनर्जी लेवल में जाता है जिसका टाइम पीरियड 10^-8 सेकंड होगा, वहां पे लाइफ पीरियड इतनी देर रुकेगा। तो कह दो कि ये जाएगा n=3 में, मतलब इसने 2 को बाईपास कर दिया, सुनो। तो ये है एनर्जी स्टेट 3। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितनी देर रुकेगा, मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा से बता दूं, इतनी देर रुकेगा। फिर एब्जॉर्प्शन करके गया ना बाबा, बिल्कुल यहां पे इसने फोटॉन एब्जॉर्ब किया था जब ही गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ने क्या करना होगा, वापस आना होगा। जब ये वापस आता है ना तो इनडायरेक्ट ट्रांजिशन करके आता है। वापस होकर कहां आया, यहां पे आया, कौन सी स्टेट में, 2 नंबर में आया। इस 2 नंबर का नाम क्या है, इसी का नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। इसी का नाम क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे एक ही वक्त में रह सकते हैं। क्यों, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो लाइफ है या इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रह सकता है वो लाइफ बड़ी है, उसी लिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन यहां पे बढ़िया होती है, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन यहां पे कम, अपना कह दो कि ज्यादा हो जाती है। अच्छा, जो इमिशन ये कर रहा होगा, ये इमिशन कौन सी कहलाती है, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। अब ये वापस आएगा तो अपनी मर्जी के मुताबिक आएगा, बात हुई, पर अपनी मर्जी के मुताबिक आएगा तो एक वक्त के बाद आएगा, पर हम चाहते हैं कि जल्दी नीचे आए, तो मैंने अभी बता दिया कि फिर आप जबरदस्ती इसको खुद निकालो। जब हम खुद निकालें, इसका मतलब क्या, हम इसके ऊपर वर्क डन करें। हम जो वर्क डन करेंगे वो किसकी सूरत में करेंगे, हम फोटॉन इसको एब्जॉर्ब करवाएंगे दोबारा से। जब हम फोटॉन एब्जॉर्ब करवाएंगे तो इज्जत के साथ नीचे आएगा। अब इमिशन जो करेगा वो किस तरह से होगी, ये दो तरह की होगी। एक वो इमिशन करेगा जो उसको इमिशन पहले करनी चाहिए थी, दो एनर्जी के बीच में जो गैप है वो इमिट करेगा बाबा, एक वो इमिशन ये करना चाहिए इसको, और एक इमिशन वो करेगा जो, एक इमिशन वो करेगा जो हमने इसको फोटॉन दिया, हमने वर्णन किया, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल में तो अपनी ओरिजिनल से रहेगा ना, तो जितनी एब्जॉर्ब हुई है वो इमिट करेगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अभी वाली जो लाइट है ना वो ये है। अच्छा, तो ये लाइट आप कौन सी कहते हो, स्टिम्युलेटेड इमिशन हम कहते हैं, स्टिम्युलेटेड इमिशन हम कहते हैं इसको। तो सुनो जरा, पहले मुझे ये क्लियर कर दो, वाजह कर दो कि इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 में ज्यादा है या 2 में बढ़िया होगी। बड़ी बात है, सिंपल, 2 में ज्यादा होगी। तो एक बात आप ध्यान रख लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बाबा, पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 मेटा स्टेबल स्टेट में इज मोर देन n इज इक्वल टू 3, 3 से इसमें ज्यादा होगी क्योंकि यहां पे लाइफ टाइम बढ़िया है। हम इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती कैसे निकालते हैं, तो सुनो जरा, द पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद इन n इज इक्वल टू 2 में डिक्रीज कैसे की जाती है, कैन बी डिक्रीज कैसे कम की जाती है, बाय एक्सटर्नल वर्क कह दो,
या कह दो बाय एक्सटर्नल वर्क, अगर नहीं तो ये कह दो बाबा कि बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, हम एक और फोटॉन दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो इमिट करता है ना, इमिट करता है ना, और वो इमिट कैसे करेगा, मतलब पॉपुलेशन जब जहाँ पे कम होती है, पॉपुलेशन कब कम होती है, पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, पॉपुलेशन कब कम होती है, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट स्टिमुलेटेड इमिशन, इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेटेड इमिशन करता है तो रिड्यूस होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या, जो उसको ड्यू करनी चाहिए वो प्लस में, जो हमारा वर्क डन है वो, दोनों मिला के इमिशन का नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन। उठो, अच्छा कनेक्टिवली ये जो बातें अपने की ना, इस प्रिंसिपल का नाम है, आप कह सकते हो इसका नाम है पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रिंसिपल। द लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, और ये आइडिया किस बंदे ने दिया था, तो डू रिमेंबर इट वॉज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो साइंटिस्ट आइंस्टाइन था ना, उसने हमें ये बताया। तो मैं दोबारा से बता दूं, आमतौर पे जो ट्रांजिशन है उसमें फ़र्क क्या, आमतौर पे इलेक्ट्रॉन मर्जी से आता है, पर यहाँ पे हम ज़बरदस्ती उसको नीचे गिरा रहे हैं, और जब हम ज़बरदस्ती नीचे गिरा रहे होते हैं तो क्या करना होता है, वर्क डन की ज़रूरत होती है, और यूँ वर्क डन करके हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ ज़बरदस्ती ले आते हैं। दैट्स इट, ये वाली आपकी लाइट है। अब सुनो ज़रा, जो बात अब होगी ये समझोगे बाबा, जो स्टिमुलेटेड इमिशन थी ना वो ये थी, ये मैं इमिशन की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की, स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब वो इमिशन जो मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड में आ रही है ना, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इस लाइट को मिरर, पैरेलल मिरर रखो, दो मिरर रखो और इनको आप मिरर से पास करवा दो, जहन में रखो, अगर दो मिरर आप साइड बाय साइड रखें तो इमेजेस कितने बनेंगे, इन्फानाइट बनते हैं। सलून पे आमतौर पे बैठे होते हो, पीछे भी मिरर है, आगे वाले मिरर है, तो आप जैसी बहुत सारी शक्लें दिखती हैं, क्योंकि व्हेन टू पैरेलल मिरर्स आर प्लेस्ड ऑन पैरेलल देन देयर एग्जिस्ट इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस। बाद दफा आपने शॉप वगैरह में देखा होगा कि मिरर लगे होते हैं इन्हें, अच्छा एक ही बल्ब ऑन करो तो पूरी जो आप कह दो कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने के लिए मिरर इस्तेमाल किया जाता है। पता है फिर क्या होता है, लेजर में एक सिंपल सा मिरर होता है, जब ये लाइट मिरर से पास होती है तो कह दो कि इस तरह से रिफ्लेक्शन 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 करती है। अच्छा बाबा, तो पता क्या हुआ, ये वाले जो मिरर हैं वो क्या करता है, इंटेंसिव लाइट यहाँ पे पैदा कर रहा है। ये इंटेंसिव लाइट कौन सी लाइट कहलाती है, लेजर। तो आपने क्या किया, आपने मिरर को इस्तेमाल करके, ये मिरर है ना, मिरर को इस्तेमाल करके, इसका मिरर का काम क्या, दीज आर यूज्ड टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द प्रोसेस बाय विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, इस प्रोसेस का नाम है एम्पलीफिकेशन। इसका नाम क्या बाबा, एम्पलीफिकेशन किया। तो लेजर लाइट कौन सी है, क्या ये सारी रेडिएशन लेजर है, नहीं, लेजर लाइट वो है जो स्टिमुलेटेड इमिशन की हुई है, मतलब लेजर लाइट वो है जो मेटास्टेबल स्टेट के बाद जो ट्रांजिशन आई है, ये लाइट हम मिरर से पास कराते हैं, लेजर लाइट इसको कहते हैं बेटा। ये नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं है। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या, एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन करवा दो, मतलब दोबारा से आप लाइट दो और उसको ये इस तरह से एब्जॉर्ब करके करें। तो नाम पता क्या रखा गया, लेजर का मतलब क्या, हमने लाइट को एम्पलीफाई किया है, हमने लाइट को इंटेंसिटी बढ़ा दी, कैसे, मिरर इस्तेमाल करके। भाई कौन सी लाइट, कौन सी लाइट, मेटा स्टेबल स्टेट से लेकर ये वाली लाइट जो, तो हम कह सकते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन को हमने किया है, हमने कौन सी लाइट को एम्पलीफाई किया है, कौन सी लाइट की शिद्दत हमने बढ़ा दी है, स्टिमुलेटेड इमिशन की बढ़ा दी है, तो हमें जो लाइट मिली उसका नाम हम क्या रखते हैं, दैट इज द लेजर लाइट। तो नाम जब ही पता चला, एल ए एस ई आर, जब ही इसका नाम कंप्लीट हुआ, दैट इज द लेजर। तो लेजर का बड़ा सादा सा मिसाल है।
द लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिव मिशन, बड़ा सादा सा सिंपल। ओके, प्रिंसिपल आप सिंपली ये कह दो कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। इलेक्ट्रॉन अगर मर्जी से आएंगे तो वक्त लगाएंगे ना, हम चाहते हैं कि जल्दी में आ जाएं तो अपने तरीके से आएंगे, पर अब आप एक्सटर्नल एनर्जी दो या एक्सटर्नल खुद चाहो तो कर सकते हो ये। अच्छा बाबा ये भी हो गया, अब हम चलते हैं लेज़र के किस्म कितने, टाइप कितने, सॉलिड लेज़र भी होते हैं, अच्छा गैस लेज़र भी होते हैं, और आप कह दो कि लिक्विड लेज़र भी होते हैं, और आपके यहाँ सेमी कंडक्टर जो कि सॉलिड में ही आता है, ये सेमी कंडक्टर लेज़र भी होते हैं। ओके, आम तौर पे एक लेज़र जो इस्तेमाल होता है ना उसका नाम है रूबी लेज़र। रूबी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, रूबी आम तौर पे क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है ना। तो आप बड़ी सादी सी बात कर सकते हैं रूबी लेज़र में, इट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल को रूबी लेज़र कहते हैं। अच्छा तो ये रूबी लेज़र आमतौर पर, इसमें पता क्या होता है, सिंपल एक रॉड होती है, मेटेलिक रॉड है, जो कि ऐसे समझ लो कि ये एक पर्टिकुलर रॉड है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ से कोई भी, या ये क्वायल जैसे होता है ना इस तरह का, ये क्वायल हमने इसके ऊपर वाउंड कर दिया। असल में ये क्वायल नहीं है, असल में ये ऑप्टिकल, या ऐसे समझ लो कि ऑप्टिकल, या सिंपली आपका इस तरह से एक पाइप है, ये रहा कंडक्टर समझ लो भला, या ऑप्टिकल कंडक्टर समझ लो इस तरह का, ये आपने इसके ऊपर वाउंडिंग किया है। अच्छा तो रूबी लेज़र में हम क्या करते हैं कि फ्लैश लैंप, ये जो आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना ये, अच्छा बाबा पता है फिर क्या हम करते हैं कि जो फ्लैश लैंप है, फ्लैश लैंप आपका कौन सा, ये वाला ना, ये जो पाइप मैंने इस तरह से रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, आप इसको क्या करो वोल्टेज दो, क्या करें इसको वोल्टेज दें, वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, यहाँ से लाइट इमिट होगी, ये फोटॉन है, ये वो फोटॉन है जो इमिट होंगे, फ्लैश लाइट, ये आम बल्ब समझ लो ये फ्लैश लाइट है। इस फ्लैश लाइट के फोटॉन अंदर जो मेटल है ना, या मेटेलिक जो रॉड है जिसको हम बोलते हैं, ये असल में बना होता है रूबी, रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है ये, तो ये वाले जो हैं बुनियादी तौर पे क्या करेंगे, ये वाले फोटॉन इस एल्यूमिनियम जो अंधेरा रॉड है अंदर जो अपने पाइप बनाया हुआ है ना, इस एल्यूमिनियम पे फायर करेंगे। अच्छा एल्यूमिनियम पे आएंगे तो क्या होता है, वही प्रोसेस जो आपने पढ़ा कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन की इस तरह की जंपिंग होती है, मेटा स्टेबल स्टेट, ये वो N3 के इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, N2 में ज़्यादा होते हैं, ये सारा प्रोसेस अभी आपने जो पढ़ा वो सब कुछ होता है। और फिर क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होती है, मतलब ये जो फ्लैश लाइट है ना वो कंटिन्यूसली आप पंपिंग कर रहे होते हैं, उसको कंटिन्यूसली आप एनर्जी दे रहे होते हैं ना, कंटिन्यूसली आप फोटॉन दे रहे होते हैं, तो कंटिन्यूसली वो इमिशन हो रही होती है, इस तरह से लेज़र लाइट पैदा हो रही होती है। सो रूबी लेज़र आमतौर पर इस तरह है, थोड़ा सा ओवरव्यू आप बेटर इसमें से कर लेना, बड़ा सादा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये, जिस पे जो आपके क्रोमियन हैं Cr+3, ये इसके ऊपर आमतौर पे समझ लो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटेड होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे क्रोमियम आयन Cr+3 इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, इस पाइप को ये समझ लो। फिर पता क्या होता है, इस पाइप के ऊपर ये हमने फ्लैश लैंप रखी है, फ्लैश लैंप का मतलब जो लाइट इमिट करे, वो फ्लैश लैंप को हम किस तरह से देते हैं, वोल्टेज देकर ऑन करते हैं, तो वोल्टेज दोगे तो फ्लैश लैंप से फोटॉन इमिट होंगे, ये फोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर यहाँ पे लगेंगे, तो एल्यूमिनियम जो है वो उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटा स्टेबल स्टेट तक आएंगे। फिर बता क्या होता है, हम स्टिमुलेटेड कराते हैं उसको, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन कराते हैं, तो यूँ एनर्जी इमिट होती है, सच काइंड ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज लेजर लाइट, बड़ा सिंपल। अच्छा तो रूबी लेज़र आमतौर पे इस तरह से ऐसे काम करते हैं। बाकी बाबा इसमें मैं वर्किंग प्रिंसिपल नहीं समझा रहा, उसका रीजन ये कि ये सारी कहानी दोबारा से ही समझनी पड़ेगी आपको, पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली सारी कहानी, ठीक है ना। अच्छा लेज़र के बहुत सारे इस्तेमाल, जैसा कि आमतौर पे होलोग्राफी में भी होता है, आजकल प्रिंटिंग है ना, प्रिंट आप कैसे करते हो, आमतौर पर फोटोकॉपी या प्रिंट करते हैं आमतौर पर ना, तो इसी तरह से आप किसी भी चीज़ का मुजस्मा बना सकते हो, 3D आप मेरा मुजस्मा बना सकते हो, लेज़र प्रिंटर आजकल आज के ना, आम सिंपल नहीं, 3D प्रिंटर,
एंड द फिनोमेना बाय विच वी कैन ड्रॉ वी कैन ऑब्टेन 3D ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं किस तरह के, दैट इज कॉल्ड एज होलोग्राफी। होलोग्राफी एक साइंस है जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनके अलावा ये लेज़र जो हैं वो सर्जिकल वेल्डिंग ऑपरेशन या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जब टिश्यू का कट करते हो दोबारा से उसको वेल्ड करना होता है तो लेज़र ऑपरेशन भी हम करते हैं हम तरह से। अच्छा, इंजीनियरिंग साइंस में छोटी सी मेजरमेंट प्रिसिशन मेकिंग, उसके लिए भी इस्तेमाल ये होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो वहाँ पे भी लेज़र टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। इन फॉर द स्टार्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन लेज़र्स कैन आल्सो बी स्टिमुलेटेड या कैन बी यूज्ड, दैट्स इट। तो लेज़र भी आपकी एटॉमिक रेडिएशन है, ठीक है ना। सो इसका लेज़र जो प्रिंसिपल है ये आपका हो गया, आपके लेज़र के यूज़ भी हैं ये भी आप थोड़ा देख लेना आगे कि इनके यूज़ हैं क्या। अभी जो मैंने बता दिया, होलोग्राफी है, प्रिसीशन मेकिंग है, मेडिकल वेल्डिंग है, इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में ये भी इस्तेमाल होते हैं। सो दैट्स इट बेटा, चैप्टर 18 कंप्लीटेड नाउ। 3 टॉपिक थे, एक था हाइड्रोजन, दूसरा था एक्सरेज, तीसरा था लेज़र। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच बेटा।